फिर से न्यू ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे भोलेनाथ के जो यहाँ पे इस टाइप का स्टेटस या फिर ये इस टाइप की जो रील से वीडियो एडिटिंग है या फिर रील से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इस टाइप की वीडियो का एडिटिंग ट्यूटोरियल दिया जाए, जो कि आप बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो एडिटिंग को सीख सकते हैं एंड वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्टेप की ओर। तो यहाँ पे मैं अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है लाइट मोशन एप्लीकेशन, तो मैं इसी से काम करने वाला हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम या फिर मेटेल जहाँ भी मैं दूंगा वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे हमारे जो पिन है ये लाइट मोशन एप्लीकेशन, वहाँ से आके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आपको करना क्या है, प्लस पे आपको टाइप करना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको 9:16 का रेशियो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड रेजुलेशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड आपको यहाँ पे इसी टाइप रखना है एंड बैकग्राउंड को आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में नीचे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे आप टाइप करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले साउंड को ऐड कर लेना है। तो मैं प्लस पे टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद सिंपल से मीडिया पे टाइप करता हूँ, मीडिया पे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से मैं इंस्टाग्राम से यहाँ पे साउंड लिया हूँ जो कि है, तो मैं उसी साउंड को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो कुछ इस टाइप इस वीडियो को आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद में टॉप कॉर्नर पे आपको 3 डॉट मिल जाएंगे, क्लिक करना है। देन उसके बाद में नीचे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इस वीडियो को सिंपल से डिलीट कर देना है। एंड उसके बाद में इधर से आपको प्लस पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ आपको वीडियो देने वाला हूँ तो उसे आपको यहाँ पर यूज करना होगा सिंपल से। तो यहाँ पर है जो क्लाउड्स, स्काई एंड क्लाउड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इसी को यहाँ पे मैं इस वीडियो को ऐड करने वाला हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको जो करना है तो इस वीडियो पे टैप करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको रोटेट वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड इसे आपको यहाँ पे 90 डिग्री पर रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको जूम वाले ऑप्शन पर आना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे जूम कर देना है, इतना जूम कर लेना है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर इस साउंड के अकॉर्डिंग लास्ट तक चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपल से जो वीडियो ऊपर वाली है इससे आपको यहाँ पर इस घड़ी वाले पे टैप करना है। टैप करने के बाद सिंपल से आपको इसे कुछ इस टाइप से आपको इसे यहाँ तक आपको ला के रख देना। रखने के बाद सिंपल से हमारा जो वीडियो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भोलेनाथ की जो यहाँ पे इमेज है उससे आपको यहाँ पर ऐड करना है फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पे प्लस पे टैप करता हूँ, टैप करने के बाद मीडिया पे टैप करता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी देखने को। तो यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ इस टाइप की आपको वीडियो को यहाँ पे आपको इमेज को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से इमेज को यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर टैप करना है। यहाँ पे आपको सारी की सारी जितनी भी लेयर होंगी इससे आपको यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट करना ही होगा, तभी जाके आपके इस फ्रेम में यहाँ पर ये वीडियो जो है क्रिएट हो पाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको टैप करना है फर्स्ट वाले पे ऐड करने के बाद फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर कुछ इस जगह पे सेट कर देना है बीच में। जब बीचों बीच में सेट करेंगे एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से छोटा करना है एंड उसके बाद में कुछ इस जगह पे आपको इसे यहाँ पर सेट कर देना है। तो यहाँ पे जो आप सेट करेंगे, सेट करने के बाद उसके आदमी यहाँ पे आपको एक जो इमेज है उससे और ऐड करना है। तो मैं प्लस पे टैप करता हूँ, टैप करने के बाद यहाँ पे मैं जो भी मटेरियल यूज करूँगा वो आपको सिंपल से मटेरियल में मिल जाएगा। तो मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये जो पत्थर जहाँ पे पहाड़ वाला इमेज या पत्थर जो भी है उससे यहाँ पे आपको सिंपल से ऐड करना है एंड इससे भी आपको यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर देना है इस टाइप से। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको जूम वाले ऑप्शन पर टैप करना है, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर जूम को इंक्रीज करना है एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे सेट करना है, इसे आपको यहाँ पे इस जगह पे अच्छे से एडजस्टमेंट भी करना है। तो यहाँ पे कुछ दिखने में भी अच्छा लगने लगा एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद प्लस पे टैप करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से मीडिया पर जाना है एंड उसके बाद में इस टाइप की आपको यहाँ पर
जो फ्लावर वाली इमेज है उसे आपको यहाँ पर सिंपल से ऐड करना है एंड उसके बाद में होम एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है एंड उससे इसके बाद में यहाँ पे आपको रोटेट पे क्लिक करना है। इस टाइप से आपको इसे रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद जूम वाले ऑप्शन पे आना है। कुछ इस टाइप से आपको इसे भी आपको यहाँ पर जूम कर देना है। इतना जो यहाँ पे जूम हो चुका है एंड उसके बाद में इसे आपको जितने पे चाहें उतने पे आप यहाँ पे सिंपल से इसे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस जगह पे सेट कर दिया हूँ। सेट करने के बाद इधर से बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हमारी जो फोटो है अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको महादेव करके कुछ नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको प्लस पर आपको ना टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट में पहले तो ये वाली जो लाइन है दो लाइन आपको यहाँ पर कर देनी है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में एम एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से महादेव आपको लिखना है एंड उसके बाद में थोड़ा सा आपको स्पेस देना है एंड उसके बाद में इसी लाइन को आपको फिर से ऐड कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको अलाइन पे टैप करना है, रोबोट रोलर पे टैप करना है। कुछ इस टाइप से मैं आपको यहाँ पे फॉन्ट दे दूंगा, इजीली वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड उसके बाद में 18 PTP पे क्लिक करना है। कुछ इस टाइप से साइज को इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद में कलर पे टैप करना है। कलर को यहाँ पे आपको व्हाइट सेलेक्ट कर देना है एंड उसके बाद में डन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद सिंपल से आपको इधर से एक बार बैक करना है, वापस आना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है एंड रोटेट पे क्लिक करना है 90 डिग्री, इसे भी आपको यहाँ पर कर देना है एंड उसके बाद में फर्स्ट में आ जाना है इस जगह पे एंड उसके बाद में इस जगह पे आपको इसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद जूम वाले ऑप्शन पे आना है। कुछ इस टाइप से आपको इसे जूम कर देना है एंड इसे आपको यहाँ पे अच्छे से एडजस्टमेंट भी कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो काम इतना हो चुका है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो पे आना है। कुछ इस टाइप से शैडो को यहाँ पे आपको इंक्रीज करना है एंड यहाँ पे जो यहाँ पे तीन यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो इसे आपको यहाँ पर जीरो करना है क्योंकि ये जो सेंटर में यहाँ पे जो इफेक्ट लगे ये सेंटर में लगे। तो कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे इस पर शैडो को दे दिया हूँ। शैडो को देने के बाद सिंपल से आपको इधर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस पर टैप करता हूँ, डुप्लीकेट लेयर पर टैप करता हूँ। देन उसके बाद में जो यहाँ पे कॉपी लेयर या डुप्लीकेट किए हैं उस पर आपको टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना, इसे आपको सिंपल से कुछ इस टाइप से रिमूव करना एंड उसके बाद में इमोजी वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड कुछ इस टाइप से आपको ये वाली इमोजी को सिंपल से ऐड कर देना है क्योंकि मैं पहले से ही इसे ऐड करके रखा हूँ तो यहाँ पे फटाक से मिल गई वरना यहाँ पे आपको नीचे ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपल से करना क्या है, कलर पे टैप करना है, कलर एंड बॉक्स पे टैप करना है। सिंपल से आपको इसे ट्रांसपेरेंट कर देना तो यहाँ पे जो कलर है वो सिंपल से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस टाइप से यहाँ पे कलर भी आ गया है। उसके बाद में सिंपल से इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद इसे आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है। कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा यहाँ पे आपको कर देना है एंड उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है एंड उससे आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे सेट कर देना है जिससे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारी जो वीडियो का जो सॉरी यहाँ पे जो इमोजी है वो ऐड हो चुकी है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से आपको इधर से बैक कर देना है एंड ये जो पाँचवें लेयर को इस टाइप से आपको लॉन्ग प्रेस करना है एंड ऐड करना है एंड उसके बाद में लास्ट में आपको चले आना है, इस टाइप से आपको इसे ऐड कर देना है। तो ये जो है सिंपल से हमारे फुल वीडियो में अप्लाई हो चुका है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको देख लेना ये जो वीडियो थोड़ा सा छूट रहा है तो इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना एंड उसके बाद में हमारी जो वीडियो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन गई। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट का नेम लिखने वाला हूँ साइड में अपने यूट्यूब चैनल का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसे ऐड करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे इसी जगह पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो का प्रॉपर तरीके से प्रीव्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद में वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले तो प्रीव्यू को अच्छे से देख लेना है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर प्रीव्यू देखा उसके बाद में सिंपल से आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर टैप करना है जो कि आपको टॉप कॉर्नर पे मिल जाएगा, क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो यहाँ पर आपको नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर आपको टैप करना है।
उसके बाद में हमारी जो वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस यहाँ पे मैं भी जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज किया हूँ वो आपको सिंपल से हमारे टेलीग्राम पे आपको इजीली मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के साथ, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।